गुड मॉर्निंग सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदर्श पांडे आपका फिजिक्स ट्यूटर आज आपको पढ़ाने आया हूँ राश, राश के प्रकार, मात्रक, मूल मात्रक और भौतिक राशियाँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इकाई फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है भैया ये हमारा क्लास टेंथ का। तो आपको बता दे भैया इकाई फर्स्ट हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब बात कर लेते हैं भैया हमारे संस्था के बारे में। तो हमारा आपसे भैया हम बस बहुत एक या उससे भी कम मिनट लेंगे आपको अपने संस्था के बारे में बताने के। तो हमारे संस्था का यह एक ऐसी संस्था है जो छोटे से क्लास से लेकर बड़े स्तर तक की ऑनलाइन क्लासेस का संचालन करती है। यदि आप या आपके संपर्क में कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट हो तो उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाए। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है राशि और यह भैया जैसे लिखा हुआ है जल। तो हम पहले भैया आपको बता दें आप लोग इस चीज से तो परिचित होंगे राशि किसे कहते हैं क्लास नाइन्थ से। तो नहीं परिचित होंगे भैया तो हम आपको परिचित करा दे रहे हैं राश किसे कहते हैं। चलिए भैया आप ध्यान से सुनिए। राशि एक ऐसी भौतिकी होती है। क्या कहा हमने भैया? राशि एक ऐसी भौतिकी होती है जिसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। राशि कहलाती है। क्या कहा हमने भैया? राशि एक ऐसी भौतिकी होती है जिसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। राशि कहलाती है। जैसे जल। जल कैसे भैया राशि हो गई? यदि मान लीजिए यदि आपके आंखों पर, क्या कहा हमने भैया? यदि आपके आंखों पर काली पट्टी बांध दिया जाए तो यही भैया कह रहे हैं कि यदि आपके आंखों पर कोई काली पट्टी बांध दिया जाए तो आपके हाथ को किसी लिक्विड से स्पर्श करे तो आप बता सकते हैं हाँ भैया यह लिक्विड है। और उससे लिक्विड को किसी नाप तौर पर भैया माप ले तो हम बता देगा भैया कितना है, एक लीटर, दो लीटर या तीन लीटर, डॉट 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 जितना भी हो। इतनी बातें भैया समझ में आई। राश किसे कहते हैं? अब बात कर लेते हैं भैया राश कितने प्रकार की होती है। तो राशियां भैया हमारी दो प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति के आधार पर और परिमाण एवं दिशा के आधार पर। राश कितने प्रकार की भैया? दो प्रकार की। कौन कौन सी? उत्पत्ति के आधार पर और परिमाण एवं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर। अब बात कर लेते हैं भैया उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। कौन सी भैया? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। क्या काम है भैया? व्युत्पन्न राशियां। अब बात कर लेते हैं भैया मूल राशियां किसे कहते हैं या मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। चलिए देखिए भैया ध्यान से सुनिए। वे भौतिक राशियां, क्या काम है भैया? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से उसका मापन किया जा सके मूल राशियां कहलाती हैं। नहीं समझे? फिर से समझिए भैया ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से उसका मापन किया जा सकता है मूल राशियां कहलाती हैं।
हमारी मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? सात प्रकार की। कौन कौन सी? समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योतिप्ता और पदार्थ की मात्रा। क्या क्या कहा हमने कहा भैया? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिप्ता तथा पदार्थ की मात्रा। ये होती हैं भैया मूल राशियां। अब मात्रक के बारे में भैया बात कर लेते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं भैया? मात्रक जान लेते हैं। मात्रक क्या होता है? तभी तो भैया आप बता पाएंगे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो सुनिए भैया, मात्रक किसे कहते हैं, जिससे आपको कठिनाई ना हो कि मूल मात्रक किसे कहा जाता है बताने में। तो पहले समझ लेते हैं मात्रक किसे कहते हैं। तो सुनिए भैया, किसी वस्तु या पिंड के, क्या कहा हमने भैया? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। नहीं समझे? फिर से समझिए भैया ध्यान से, मात्रक किसे कहते हैं? तो वे सॉरी किसी वस्तु या क्या काम ने कहा भैया? किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो वे मात्रक जिनको, क्या कहा हमने भैया? मूल मात्रक क्या होता है बात कर लेते हैं मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक तो वे मात्रक जिनको ज्ञात करने के लिए अन्य किसी मापक की आवश्यकता नहीं होती है, मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहा हमने भैया? किसी मात्रक के, क्या? किसी मात्रक के सॉरी किसी मात्रक को ज्ञात करने के लिए, किसी मात्रक को ज्ञात करने के लिए अन्य किसी मापक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूल मात्रक है। सरल शब्दों में आप किसी को बता सकते हैं, अगर आपने उससे किसी पूछ लिया कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। क्या कहा हमने भैया? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब मूल राशियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर और सॉरी एंगस्ट्रॉम, केल्विन, मोल। एक एक करके देखते हैं भैया। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एंगस्ट्रॉम और ज्योतिप्ता का मात्रक कैल्डिला और पदार्थ की मात्रा मोल। इतनी बातें भैया समझ में आई? और समझिए भैया, अब बात करते हैं भैया व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं भैया व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो वे भौतिक राशियां, क्या काम है भैया? ध्यान से सुनिए, वे भौतिक राशियां जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। क्या कहा हमने भैया? वे भौतिक राशियां जिसे मूल राशियों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे जैसे भैया घनत्व, त्वरण,
त्वरण भैया और आयतन। इतनी बातें समझ में आई भैया? चलिए और समझिए, परिमाण एवं दिशा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको पहले ही बता दिया, सदिश राशियां अदिश राशियां दो प्रकार की होती हैं। बात करते हैं सदिश राशियों के बारे में और अदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं भैया? इससे पहले भैया आप लोगों ने एक चीज नहीं नोटिस की, हमने कुछ वर्ड जो है बहुत कॉमन यूज किया है। क्या यूज किया है? भौतिक राशियां। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया भैया, पूछा भी नहीं कि सर भौतिक राशियां किसे कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भौतिक राशियों के बारे में। कहां ध्यान है भैया, नहीं समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए भैया, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? सुनिए भैया ध्यान से, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको माप सकते हैं और उसे परिभाषित भी कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या भैया, क्या कहा हमने? वे भौतिक राशियां जो या जिसे माप सकते हैं और उसे परिभाषित भी कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती। नहीं समझे? अच्छी बात है, समझ गए भैया, समझ गए तो और समझिए। अब बात करते हैं भैया सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि भैया वे राशियां होती हैं या वे भौतिक राशियां होती हैं। क्या कहा हमने भैया? सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों उपस्थित होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। नहीं समझे? फिर से समझिए भैया, ध्यान से सुनिए। क्या कहा हमने? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों उपस्थित होते हैं, सदिश राशियां कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं भैया बल के बारे में, बल तो आप लोगों ने पता ही होगा बल किसे कहते हैं। और यह एक वस्तु है भैया, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, मान लीजिए नाम दे दीजिए वस्तु ए। यदि हम इस वस्तु पर कोई बल लगाएं, क्या काम है भैया? यदि वस्तु पर कोई बल लगाएं और इसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं में लेकर चले जाएं तो क्या कहलाएगा? एक तो प्रूफ हो गया दिशा, बल लगाकर किसी भी वस्तु को किसी भी दिशा में लिया जा सकता है। और इसी वस्तु को किसी माप तौल पर रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1 केजी, सॉरी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 केजी, जितना भी यह वस्तु हो उतना हो जाएगा। समझ में आई भैया इतनी बात हमारी? राशि किसे कहते, सॉरी सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों उपस्थित होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, बल लगाकर भैया किसी भी वस्तु को, मान लीजिए यह वस्तु ए है, तो इसी वस्तु को भैया किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं बल लगाकर। और इसी भी वस्तु को किसी नाप तोल पर रख के भैया हम नाप सकते हैं कि कितना ग्राम है या कितना केजी है यह वस्तु। चलिए अब आप इतना समझ में आया भैया, और समझिए अदिश राशि किसे कहते हैं। अब इतना तो पता ही हो जाएगा राशि अदिश राशि किसे कहते हैं। फिर भी सुनिए, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होते हैं परंतु दिशा नहीं होती है, सदिश सॉरी अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहा हमने भैया? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होती हैं परंतु दिशा नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं भैया? अदिश राशियां कहलाती हैं। इतनी बातें समझ में आई भैया? अब हम भैया अदिश एक बात बताइए भैया, अदिश राशि का कोई एग्जाम्पल बताइए कोई भी। चलिए कमेंट के द्वारा आप बताइएगा अदिश राशि,
उदाहरण क्या होते हैं? इतना हम आपको बता दे रहे हैं कि सदिश राशि का जितना भी एग्जाम्पल हो उन सभी को छोड़कर जितना भी एग्जाम्पल बचते हैं सब अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। इतनी बातें समझ में आए भैया कि हमने बात किया राशि किसे कहते हैं, राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अदिश राशियां सदिश राशियां, सॉरी उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं और परिमाण एवं दिशा के आधार पर क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन सी राशियां होती हैं, परिमाण एवं दिशा के आधार पर कौन कौन सी राशियां होती हैं, हमने बात किया मात्रक के बारे में, मूल मात्रक के बारे में और भौतिक राशियों के बारे में। इतनी बातें भैया आपको समझ में आई। अब हम अपने अगले जो हमारा मूल टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। यह आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा भैया, प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन। तो भैया जाते जाते भैया हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं बस कुछ ही समय में, कि यदि आपको यह वीडियो भैया उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, यदि आपको भैया यह वीडियो पसंद आया हो तो यह भैया आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि यह हम कैसे इसे और बता सकते हैं। और हमारे जो ये सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर है आप इसे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके हमारे जो वीडियो जो है अगला वीडियो जो है आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी को समाप्त करते हैं। अगर हमारा अगला वीडियो जो आपको मिलेगा कल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।